यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, तो ध्यान से देखिए, हम जानते हैं सेक्टर हमारा क्या होता है। सेक्टर है द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। इट मे बी मेजर और माइनर, वो हमारा मेजर भी आर्क हो सकता है या फिर माइनर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दो रेडियस और एक आर्क के बीच में हमारे पास जो रीजन आता है वो हमारा क्या है, सेक्टर। तो उन्होंने कहा है इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, उसका एंगल कितना 60 डिग्री दिया है और रेडियस सर्कल का कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देख लीजिए, रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है और जो हमारा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क जो कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उस पर्टिकुलर सेक्टर की, वो सबटेंड कर रही है एंगल 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल क्या होता है, एरिया का, सॉरी एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। हमेशा आपको याद रखना है एरिया जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा और जो आपकी आर्क लेंथ है वो आपकी 2 पाई आर होगी, थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो ध्यान से देखो, थीटा हमारे पास 60 दिया है, मैंने पुट कर दिया। नाउ उसके बाद हमारे पास 3/360 रेशियो है, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो सिंबल आपको हटा देना है। ये नहीं कि आप थीटा में वो 60 डिग्री लिख रहे हैं नीचे 360, तो वो आप हटा सकते हैं, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ओके, नाउ पाए जो है वो हमारा कितना 22/7 हमारा आ जाएगा एंड आर स्क्वायर यानी कि 6/6 ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये हमारे पास 6 और ये चीजें हमारी जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 132/7 जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा। तो प्रॉपर आपको एग्जाम में क्या करना है, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आपको इन क्वेश्चंस को करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।